की वजह से खिन्न है। विंध क्षेत्र का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो कि विंध की बंजर भूमि को भाजपा के लिए उपजाऊ बनाने का काम करने का श्रेय यदि एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो आदरणीय भगवत शरण माथुर जी को दिया जा सकता है। और उनके अंदर संगठन की जो एक आदर्श संगठन मंत्री की जो तस्वीर हम लोग देखते थे, कई बार ऐसे वाक्य आए जब लगा कि कोई कार्यकर्ता किसी वजह से खिन्न है। मैंने अपना अनुभव ये देखा कि एक दो बार ऐसा हुआ कि बचपने के कारण कुछ ऐसी बातें कह दी और उसके बाद ये लगा कि ये इसका मन कहीं कमजोर ना हो जाए, तो फिर दूसरे दिन ही उनका फोन आ जाता था कि क्या हाल है। छोटी छोटी बातों को लेके चिंता नहीं करना चाहिए। जब मैं पहला चुनाव 1200 वोट से हारा तो बहुत निराशा थी, बड़े मुश्किल से दो टिकट मिला और फिर 1200 वोट से हार गए। तो माथुर साहब का अगले दिन सुबह फोन आ गया कि अधिक मेहनत से ही सफलता मिलती है, इससे बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सपना लेके वो चल रहे थे कि विंध्य को पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत स्थान बनाना है जिससे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कभी कोई परेशानी ना आए। जैसा आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि हर व्यक्ति को ये लगता था कि वह सबसे ज्यादा नजदीक, लोग बैठते थे और सब यहाँ तक कि संभागीय संख्या मंत्री हटने के बाद जब वो रीवा जाते थे और सर्किट हाउस में रुकते थे तो जैसे मंत्री के आने से मेला लगता था सर्किट हाउस में, वैसा माथुर साहब के रीवा में पहुंचने से सर्किट हाउस में मेला लगता था। और जो आपस में जिन नेताओं के बीच में सामंजस्य नहीं भी रहता था राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण, खींचतान के कारण, वो भी माथुर साहब को ये मानता था कि सबसे ज्यादा माथुर साहब मुझे ही मानते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी खूबी थी। और एक जैसे ठाकरे जी ने काम किया उस प्रकार से उन्होंने विंध्य क्षेत्र में, क्योंकि ठाकरे जी का अंतिम समय में हम लोगों ने उनके संपर्क में आए, लंबे समय से ठाकरे जी ने जो काम किया वो महाकौशल मालवा क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा उसकी उनका सानिध्य मिला, लेकिन हम विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए जहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा, समाजवादियों का गढ़ रहा, वहाँ तो ठाकरे जी की कार्यशैली और उनकी जो काम करने की पद्धति थी वो हम लोगों ने भगवत शरण माथुर जी के अंदर देखने का हम लोगों को सौभाग्य मिला है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन रचित अर्पित करता हूँ। और हम लोगों ने वहाँ से हटने के बाद भी रीवा के लोगों ने कभी उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग आपसे दूर हैं। मैं जब मंत्री भी था और जब विधायक भी रहा, जब कभी माथुर साहब के फोन आते थे तो हम लोग कहते थे कि आप हैं कहाँ, गए भोपाल में, तो हम लोगों की कोशिश रहती थी कि उनके पास पहुँच के उनको ये एहसास कराएं कि आप अब रीवा में भरे नहीं, भले आप हरियाणा में हैं या भोपाल में हैं, लेकिन आप हम लोगों के दिल में आपके प्रति इज्जत में कहीं कोई कमी नहीं है। जब उनके पास हम लोग पहुँचते थे तो देखते थे कि उनका चेहरा चमक जाता था, उनको एहसास होता था कि रीवा के जिन कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने प्यार किया है, हमने प्यार किया है, वो हमारी इज्जत और हमारे सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं करते हैं। सिर्फ इतना ही उनको संतोष हो जाए इसके लिए, चाहे गौतम जी जैसा बता रहे हैं, हम लोग अक्सर पार्टी कार्यालय आते थे तो वहाँ जरूर जाते थे, उनके पास 10 मिनट बैठते थे, चाय पीते थे, और सिर्फ उनको ये एहसास कराने के लिए कि आपका जो योगदान है विंध्य क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाने में, उसके लिए हम लोग आज भी आपके कृतज्ञ हैं। और आज अचानक वो हम लोगों को छोड़ के चले गए, पुण्यात्मा थे, एकादशी के दिन वो गए हैं और भोजन करने के बाद गए हैं, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इतने शुभ मुहूर्त में मोक्षदायी एकादशी के दिन देवलोक गमन उनका हुआ है, जो इस बात को साबित करता है कि पूरे जीवन निष्काम कर्मयोगी की तरह निष्कलंक रखते हुए
फिर विचारधारा को मजबूत करने के लिए मिशन के तरह काम करने की जो बात हम लोग दूसरों से कहते हैं उसको चर्चार्थ करने का काम श्रद्धेय माथुर साहब ने किया है। उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति तो देंगे ही, परिवार के लोगों को भी शक्ति मिले और हम सारे लोग उनके परिवार के लोग हैं। तो ओम शांति। माननीय माथुर साहब, पैरों में तकलीफ के कारण व्हील चेयर का उपयोग करते थे। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक वर्चुअल बैठक थी, अर्धावासी थी, आदि यहाँ होने की, आदि दिल्ली में होने की, तो यहाँ स्थान पहले नीचे का तय हुआ। हमने कहा भाई सब नीचे एक बैठक में आना है, कुछ युक्ति बढ़ाओ इस हाल में बैठक हो। हमने कहा बहुत छोटी संख्या है भाई सब, 10 लोग हैं आप लोग, बाकी 10 तो वहाँ उपस्थित रहने वाले। और ऊपर वाले ने उनकी ऐसी बात सुनी कि आखिर बैठक इसी कक्ष में हुई, किस योजना से क्यों, उन्होंने कहा लगातार हर बात पे बातचीत करना, हर एक व्यक्ति से बहुत विनम्रता, उनकी जो शालीनता थी एक एक कार्यकर्ता के साथ खूब उनका जुड़ाव रहा। उनके साथ लंबे समय तक शिव चौधरी जी, जितेंद्र चौधरी जी और राम प्रसाद जी ऐसे थे जो लगातार उनके साथ रहे। मैं अंत में उनका परिचय भी यहाँ सामने बुलाकर करवाऊंगा। उनके परिजन जयेश और उनके बहनोई साहब, बहन और ऐसे सभी परिजन भी यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से, जो कार्यकर्ताओं की ओर से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी शोकाकुल बंधु, श्रद्धेय भगवत शरण माथुर जी से मेरा संबंध जब मैं विद्यार्थी परिषद के महाकौशल प्रांत के काम के लिए मेरा केंद्र जब हुआ तो मुझे पता लगा कि भगवत शरण जी रीवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के तौर पर यहाँ काम करते हैं। तो फिर मेरे मन के अंदर उत्कंठा हुई कि उनसे मिलेंगे और यहाँ विद्यार्थी परिषद के काम के लिए उनसे बातचीत करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। तो उस समय लगातार जब मैंने वहाँ काम किया तो बीच बीच में तुम लोगों को क्या जरूरत है, क्या काम या विद्यार्थी परिषद का काम और कैसे आगे बढ़ना, ऐसे कई प्रकार की चीजें उस समय जिसका उल्लेख अभी राजेंद्र जी और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी कर रहे थे। बिंद क्षेत्र में इस प्रकार का काम खड़ा करना, बिंद की जिस प्रकार की परिस्थितियां थी राजनीतिक, उन सब में भारतीय जनता पार्टी को स्थान दिलाना वास्तव में ही श्रद्धेय भगवत शरण माथुर जी का एक महत्वपूर्ण योगदान बिंद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक अहम भूमिका उनकी रही है। एक कार्यकर्ता संगठन के लिए 24 घंटे कैसे सोचता है, जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी वर्चुअल के बाद अपनी जब पहली बैठक थी कोविड के संकट के बाद की एक्चुअल बैठक करेंगे तो मुझे उन्होंने फोन पर कहा, फिर मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कि मैंने ठाकरे जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी है क्या संभव है कि वो पुस्तक प्रदेश कार्य समिति के सब लोगों तक चली जाए, क्योंकि ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब बिल्कुल, आप बताओ कितनी पुस्तकें हैं। तो उन्होंने फिर राघवेंद्र जी को बात करके सारे जितने भी कार्य समिति के अपने लोग आने वाले हैं, जो ठाकरे जी के ऊपर उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक को सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। यानी एक व्यक्ति लगातार इस दिशा में कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उस व्यक्तित्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के आने वाले कार्य समिति के लोगों तक के बाद जाए, उसको लोग पढ़ें और इन चीजों को अपने मनोभाव के अंदर लोग लेकर के आए, इतनी चिंता करने वाला व्यक्तित्व ऐसे भगवत शरण माथुर थे।
मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जब गया, तब भी उन्होंने, क्योंकि मेरा संबंध उनसे लगातार इस प्रकार का था कि मिलना जुलना रहते ही था, अपने आप को इसके लिए अनुरूप बनाना ये एक कार्यकर्ता में जो सतत प्रक्रिया चाहिए वो अपने को इस रूप में तैयार करके खड़ा करना है। तो ऐसा सौभाग्य मुझे भी उनका मिला कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से जिम्मेदारी मिली तो उसके अनुरूप बनने के लिए अपने आप को और चार बातों के लिए तैयार करने की जरूरत है। इस प्रकार का मार्गदर्शन मुझे भी हृदय माथुर जी का मिला, जिस दिन जब वो हमारे बीच से चले गए तो उस समय मुझे फोन आया, मैं दिल्ली के अंदर था, 8:40 पर मुझे फोन आया और 8:50 पर अरविंद जी ने कहा कि हम लेकर के हॉस्पिटल गए तो माथुर जी हमारे बीच नहीं रहे। मुझे तो ये आश्चर्य हुआ एकदम कि उन्होंने कहा कि वो भोजन करने के बाद उनको थोड़ा सा कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ होगा, फिर भोजन किया, भोजन करने के बाद सहयोगी जगह के थोड़ा घूमने के लिए चलते हैं और घूमने जाते समय एकदम एक सेकंड नहीं लगी है और उनको कोई जिस प्रकार का डॉक्टर्स का कहना है कि उनको हार्ट अटैक से और झटका आया और वो लेके गए और तत्काल शायद उसी स्थान पर महामारी बीच से चले गए। यानी एक योगी जैसा, जिस प्रकार से योगी चले जाते हैं, एक इस प्रकार का व्यक्तित्व जिन्होंने अपना अंतिम समय भी, जो राजेंद्र जी ने कहा कि ऐसे दिन ऐसे समय पर वो हम सबको छोड़ करके गए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को उनका एक बड़ा योगदान। और मुझे लगता है कि एक नहीं ऐसे पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने खड़ा किया है। वो सार्वजनिक जीवन में होंगे, सत्ता के क्षेत्र में होंगे या कई स्थानों पर हैं, जो माथुर जी के प्रयासों से, माथुर जी के स्नेह के साथ वो लगातार जिनका संबंध और संपर्क रहा और लोगों से लगातार सतत उनकी चिंता करने वाले ऐसा व्यक्तित्व, तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को भी सत्य माथुर जी ने तैयार किया। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, क्योंकि उनके लिए तो सभी भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार, देश के अंदर भी उन्होंने कई स्थानों पर काम किया, हरियाणा से लेकर अनुसूचित जाति मोर्चे के भी राष्ट्रीय प्रभारी रहे, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार जो आज सभी लोग यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार भाव के साथ उनके जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को संबल देने का काम करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान कुशाभाऊ ठाकरे जी के प्रांत से होती है, लेकिन उनकी परंपराओं को बढ़ाने का काम लगातार अनेक हमारे संगठन मंत्रियों ने किया, उनमें भगवत शरण माथुर जी भी है। अनेक प्रसंगों पर हमारे वर्तमान के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आपका संपर्क संबंध भी आदरणीय भगवत शरण माथुर जी से खूब था। मैं आग्रह करूंगा श्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वे आए और अपनी बात। जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अवश्यम भावी है, अमर होकर कोई नहीं आया, लेकिन जब कोई माथुर जी की तरह जाता है तो गहरी यादें हमारे दिल और दिमाग में छोड़ जाता है, अपने कर्मों से कदमों के ऐसे निशान उन्होंने बनाए हैं जो उनकी स्मृति को सदैव न केवल हमारे हृदय में बल्कि मन और मस्तिष्क में जीवित रखेंगे।